अब आप ध्यान से देखो, इसमें आग भी निकलने लग गई है। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस नाइफ। वैसे ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, थोड़ा एयर का स्पेस होना चाहिए, लेकिन भर के देख लेते हैं जो बन। कभी कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है, यू नेवर नो। सो यस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम घर पे कोयला कैसे बना सकते हैं। ऑलराइट, कोयला बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा एक टीन का डिब्बा, चॉकलेट का, किसी भी चॉकलेट का डिब्बा हो सकता है, टीन का डिब्बा आपके पास में होगा। इस टीन के डिब्बे में हम एक सिग्निफिकेंट सा होल बनाएंगे, मतलब एक पेंसिल से थोड़ा पतला, पेंसिल की थिकनेस से थोड़ा पतला, और इसमें हम लकड़ी डालेंगे। ये मेरा नाइफ सबसे कम यूज करता हूं मैं। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस नाइफ। वैसे है मजबूत ये, कुछ भी नहीं हुआ इसको, कुछ भी नहीं हुआ, बस थोड़ा सा क्ले है इसमें ना बोल्ट की वजह से। ये वो लकड़ियाँ जिनका कोल बनना है, इनको हम इस बॉक्स में डाल लेंगे। वैसे ज़्यादा नहीं भरना चाहिए, थोड़ा एयर का स्पेस होना चाहिए, लेकिन भर के देख लेते हैं जो बन जाएगा वो ठीक है। तरीके से पैक कर लेंगे इसको। हमको उस बॉक्स को इस तरीके से रखना है कि वो पूरा अच्छे से कवर हो जाए, चारों तरफ से आग से घिर जाए। थोड़ा सा हम कॉटन लेंगे और इसमें वैसलीन लगा लेंगे अच्छे से, और फिर इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देंगे ताकि एयर जा सके। आप देख सकते हो इस बॉक्स में से धुआं निकल रहा है। अब थोड़ी देर में कुकर की तरह धुआं तेज निकलेगा, फिर आग निकलेगी, और उसके बाद जब आग बुझेगी, धुआं निकलेगा वापस से थोड़ा थोड़ा, तब ये रेडी होगा। बट इट टेक्स टाइम, 3 से 4 घंटे कम से कम लगेंगे। वैसे मैंने इसमें जो लकड़ियाँ यूज़ करी है आम की, जो कि बहुत सॉफ्ट होती है, और बबूल की। बबूल बहुत हार्ड और हैवी वुड होता है, दैट्स व्हाई इट इज़ टेकिंग सो मच ऑफ टाइम। अब आप ध्यान से देखो, इसमें आग भी निकलने लग गई है, और ये थोड़ा फ्लेम तेज़ होगी, और फिर वापस धुआं निकलेगा। बिना एक्सपर्ट्स की राय के इसको घर पे ट्राई मत करना, क्योंकि ये कभी भी खुल के प्रेशर कुकर की तरह फट सकता है। अगर करो भी तो सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना, पानी वानी पास में रखना। ये पूरी तरीके से आग बुझ चुकी है ना, पर इसको ठंडा होने में इट विल टेक टाइम। वाह, चारकोल रेडी है। एक्चुअली लकड़ी जो होती है ऊपर से तो जल जाती है, लेकिन अंदर से वो लकड़ी रह जाती है, चारकोल नहीं बन पाती। हमको चारकोल चाहिए था, चार वुड नहीं चाहिए था, और चारकोल इज़
रेडी। ये वाला और ये बबूल था। चलो अब हम देख लेते हैं कि ये कैसा बना है। किसी भी एक कोयले को निकाल के हम उसको तोड़ के देख लेते हैं कि अंदर तक ये पूरा कोयला बन चुका है या नहीं। कंप्लीट है। अब मैं आपको बताता हूँ ये किस काम में आता है, जला के देख लेते हैं। इसका मैंने एक छोटा सा पीस ले लिया, इसको जला के देखते हैं। इग्नाइट हो चुका है। सो लेट अस सी कि ये कितनी देर तक जलता है। करीब 2-3 मिनट तो हो गए इसको जलते हुए और ये जलता रहेगा करीब 5-6 मिनट तक और इतना सा पीस। दैट मीन्स यू कैन ट्रांसपोर्ट फायर काफ़ी दूर तक लेके जा सकते हो आग को जला के। आप इससे फायर इग्नाइट भी कर सकते हो, पानी फिल्टर भी कर सकते हो, आपका खाना रोस्ट भी कर सकते हो, चपाती भी बना सकते हो, ब्रेड भी सेक सकते हो और आप कुछ बेक भी कर सकते हो। काफ़ी फ़ायदे हैं इसके कोल के एंड यू कैन कैरी इट एज़ वेल ईजीली। तो मैं इसको अपने फायर बॉक्स में डालने वाला हूँ 2 या 3 पीसेस को और अगली आउटडोर एक्टिविटी में मैं इससे फायर इग्नाइट करने की कोशिश करूँगा बिना लाइटर के। और देयर इज़ अ ट्रिक, मतलब इसको कपड़े में रोल करके रब करना होता है और उससे कोयला फ्रिक्शन से जलने लग जाता है। और इसको आप पौधों में खाद की तरह भी यूज़ कर सकते हो, है ना। उसमें क्या होता है कि अगर आप किसी प्लांट के मिट्टी में इसको मिला के रखते हो तो पौधे को सांस लेने में आसानी होती है और मिट्टी के मिनरल्स इंटैक्ट रहते हैं और पानी को भी ये होल्ड करके रखता है। और अगर थोड़ा बहुत इसको पीस तोड़ के आप पानी में डाल के पीते हो तो ये डाइजेशन में भी हेल्प करता है। बट पाउडर बना के थोड़ा सा मतलब 1/4 एक ग्लास में 1/4 टीस्पून अगर डाल के मिक्स करके पीते हो दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर गट। और ये अभी तक भी जल रहा है। और स्पेशली ये जो पतले वाले होते हैं ना, ये आपके फायर स्ट्राइकर से जो फेरो रॉड होता है उससे 1-2 स्ट्राइक से इग्नाइट हो जाता है, बहुत जल्दी इग्नाइट होता है और आप कहीं भी कैरी कर सकते हो और आग आराम से लगा सकते हो। तो मैं ये पतला वाला पीस अपने बॉक्स में रख रहा हूँ। पतला वाला इसके अलावा 1-2 पीसेस मैंने और रख लिए, ये एमरजेंसी के लिए सबसे बेस्ट है। कॉटन के साथ वैसलीन लगा के, बाकी ये जो है ये बारिश के टाइम या फिर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, आग नहीं लग रही हो, उस टाइम काम में आता है क्योंकि ये गीला होने के बाद भी जल जाता है। इसको बनाने के लिए मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था, आप चेक कर सकते हो ड्राई फ्यूल के नाम से। और ये बाकी जो है इसको मैं रैप करूंगा। हम इसको दोबारा यूज कर सकते हैं, इसको संभाल के रखेंगे दोबारा कोयला बनाने के लिए। दिस इज रेडी। बस इसका एक ही ड्रॉबैक होता है, ये हाथ थोड़े से आपके काले हो जाते हैं, बाकी फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। इसको मैं अगली बार कैंपिंग में लेके जाने वाला हूँ। मैं अगर वीडियो बनाया नहीं बनाया ये तो मेरे को मालूम नहीं, बट कैंपिंग में लेके जाने वाला हूँ। और मैं आपको बॉक्स दिखा देता हूँ, मेरा फायर बॉक्स। बाहर धूप की वजह से आपको पूरा ढंग से दिखा नहीं होगा। ये कॉटन है, ये रॉड है, ये वाटरप्रूफ
ड्राई फ्यूल, पाइन वुड, फैट वुड भी इसको बोलते हैं, और ये कोल। ये फायरबॉक्स मैं हर आउटडोर एक्टिविटी में कैरी करता हूँ, और अगर कहीं गाड़ी से हम लोग जाते हैं तो भी इसको अपने पास रखता हूँ कि एमरजेंसी में आग जलानी पड़ जाए। बस एक शौक भी है और कभी कभी ज़रूरत पड़ भी जाती है, यू नेवर नो।